هاكر 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 يا جماعة، لو انتبهتوا لحركاته هاكر. ميوزك روك تيري كو باتتت तेरी गाड़ में डंडा दे ना बांस की बंसी ना सोने का सरिया. 3 hours later. गाड़ में डंडा दे, गाड़ में डंडा दे. झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, झुके रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो. पतली गली से निकल 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 निकल. सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो सब लोग यार? होप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, और अगर बढ़िया नहीं यार बहुत जल्दी बढ़िया हो जाओगे. कैसे चल रहा है आप लोगों का रैंक पुश? फटाफट से बता दो कमेंट सेक्शन में. मेरा तो भाई यहाँ पे बढ़िया चल रहा है, ऑलमोस्ट 2500 के आसपास मेरा रैंक पहुँच चुका है. एंड मैं अभी शायद एस 5 स्टार पे हूँ, ये मुझे अच्छे से याद नहीं, इतने स्टार पे ही होगा. ठीक है, तो आप लोग कहाँ पे पहुँचे हो, या आप लोगों को कॉन्कर हो गया नहीं तो भाई कहाँ पहुँचे हो ये बता देना फटाफट से कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कि भाई अभी कितने और लोग हैं जो मेरे साथ यहाँ पे रैंक पुश कर रहे हैं. तो पिछली वीडियो में भाई मैंने यहाँ पे मतलब नुसा गेम प्ले में लाया था एक दो वीडियो से, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बोला कि भाई नुसा तो ठीक है लेकिन हमें हीरेंगल के गेम प्लेस भी देखने हैं. ठीक है, तो भाई आज मैं हीरेंगल का गेम प्ले भी लाया हूँ यार. मैं तो मीरा मार का भी लाने वाला था लेकिन मैचिंग नहीं मिलती उसमें, तो यार ये चीज़ देख के बहुत ना बुरा लगता है कि जब हम पबजी मोबाइल खेलते थे तो उसमें भाई उसमें हर एक मैप में मैचिंग मिलती थी. मैंने भाई सैनोक में भी रैंक पुश किया है, मीरा मार में तो चलो किया ही किया है, बहुत ज़्यादा किया है मीरा मार में तो. एंड भाई वीकेंडी में हमने रैंक पुश किया है, जो कैरेकिन मैप होता है उसमें हमने रैंक पुश किया है. मेरी पुरानी वीडियोज़ आप जाके देखोगे तो मतलब हर एक मैप में हमने यहाँ पे कॉन्कर किया है, वीकेंडी हो, सैनोक हो, कैरेकिन हो, मीरा मार हो, इरेंगल हो. लेकिन भाई अब ना जब से BGMI आया तो तब से ना वो फील नहीं आती यार जो मतलब पबजी मोबाइल में आती थी. अब भाई मैचिंग नहीं मिलती, सब के सब यहाँ पे सब मतलब इरेंगल ही घुसे पड़े हैं, कोई नई चीज़ ट्राई करनी नहीं, नई भी नहीं है यार वो पुरानी चीज़ें हैं, पर मतलब खेलते ही नहीं है लोग, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ. तो यार खेला करो यार, तभी आप लोग खेलोगे तभी मैचिंग मिलेगी, ऐसे तो मिलेगी नहीं यार. तो अगर आप लोग ट्राई करोगे थोड़ा तो वो मिलेगी, तो देखते हैं यार फ्यूचर में क्या होता है. फ़िलहाल तो यार कुछ लग नहीं रहा मेरे को कि फ़िलहाल मिलेगी, क्योंकि 10-12 मिनट तक मैंने मीरामार में ट्राई किया, उसमें नहीं मिली. कैरेकिन वगैरह की तो बात ही छोड़ दो. तो चलो छोड़ो यार, फिलहाल मैं आज यहाँ पे दो गेम प्लेज लाया हूँ. दो गेम प्लेज अपने दोनों में ही बहुत ही खतरनाक चिकन है, इरेंगल में भी और नुसा में भी. ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले, उससे पहले यार मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप में से लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो यार बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखते हैं, तो यार क्या करो यार, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो यार. वीडियो ऐसे मत देखो, क्योंकि यार आप लोग अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो हमारे फटाफट से यहाँ पे 50 से 51K हो जाएंगे. काफ़ी टाइम से 50K हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो. एंड अगर वीडियो पसंद आती तो यार वीडियो भी लाइक कर देना. ठीक है, तो आज की वीडियो को लाइक हम रखते हैं 50 ज़्यादा हो गया, 50K बोलने वाला था मैं, 500 लाइक्स के लिए होप आप लोग कंप्लीट करवा दोगे. ठीक है, तो यार हमेशा की तरह मैं स्कूल पे लैंड हुआ था, कोई बंदा आया नहीं था वहाँ पे. ठीक है, तो मैं लूट करके जोन जब चल पड़ता है तो वहाँ पे भाई गाड़ी लेने रोज़ोक आता हूँ. रोज़ोक में मुझे भाई दरवाजे की चाबी मिलती है, तो वहाँ से मैं MG3 निकाल लेता हूँ. ठीक है, तो गाइज वहाँ से ना मुझे रोज़ोक में गाड़ी मिल जाती है, एंड गाड़ी लेके मैं आता हूँ जोन में. जोन कहाँ पे बना है आप लोग तो इस जगह को पहचानते ही होगे. तो मेरा जो सामने जो घर है ना, एक पिंक वाला जो घर है, देखो इस घर में ऑलरेडी एक बंदा होता है. तो मैंने सोचा भाई घर में जाने से अच्छा है मैं यहीं पर बैठता हूँ, ये जगह मुझे सेफ लग रही है. ठीक है, यहाँ पर अगर कोई और बंदा भी आता है तो उसको भी मैं गाड़ी से उतार सकता हूँ. तो किसी बंदे ने भाई यहाँ पे जो घर में बंदा था उस बंदे को मार दिया. अब देखना मैं यहाँ पे मॉली करने वाला हूँ इस घर वाले बंदे पे. वही मैंने मॉली करी, ये मॉली होती तो है लेकिन पता नहीं कहाँ होती, ना तो उस घर में ये मॉली हुई है ना तो ये मेरे पास मॉली हुई है. जलने की आवाज़ भी आ रही है, मेरे पास ही आ रही है, लेकिन भाई मॉली कहाँ हुई है मुझे नहीं पता. पता नहीं भाई क्या नशे हैं ये, क्या ग्लिच है. तो मैंने भाई इसके बाद एक दो ग्रेनेड भी ट्राई करी लेकिन उससे कुछ फ़ायदा यहाँ पर होता नहीं है. तो गाइज़ अभी यहाँ पे मेरे नीचे वाले साइड से ना एक बग्गी आती है, ये देखो जो बग्गी आ रही है ये यहाँ पे सामने आके रुकने वाली है. ठीक है, सामने जो ये घर नहीं था जिस घर पे बंदा था मेरे सामने वाला, इस घर पे आके ये बग्गी यहाँ पे रुक जाएगी. तो भाई ये बंदा यहाँ पे इस बंदे पे पुश कर देता है एंड इसने इसे किल कर दिया जो घर के अंदर बंदा बैठा हुआ था. ठीक है, तो भाई अब इस बंदे को मेरी पोजीशन पता नहीं है, क्योंकि जो पहले इस घर में बंदा था उसको तो मेरी लोकेशन पता थी. ठीक है, लेकिन जो ये वाला बंदा है इसको मेरी लोकेशन पता नहीं है. तो अब देखो जोन चलना शुरू हो गया है एंड मुझे पता था कि ये बंदा जोन जाने के लिए अपनी गाड़ी में आएगा. तो भाई जैसे ही ये बंदा अपनी बग्गी में बैठता है भाई वैसे ही हम इसको यहाँ पे बग्गी से उतार देते हैं. एंड भाई इसी के साथ भाई यहाँ पे डेंजर जोन भी चलना यहाँ पे शुरू हो गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा था. तो मैं फटाफट से अपनी डासिया में बैठता हूँ एंड भाई निकल जाता हूँ यहाँ से जोन की तरफ. जोन में देखो भाई हर कोई बंदा अपनी गाड़ी लेके जोन में जा रहा है, तो यहाँ पर मुझे एक सेफ एरिया दिखाई देता है
शायद मैंने सोचा ये सेफ़ है, यहाँ पे रुकना सेफ़ है, तो मैं यहाँ पे अपनी डासियाँ लगा देता हूँ एंड यहीं पे रुक जाता हूँ। अभी मेरे पीछे भी जहाँ पे मैं फेस करके बैठा हुआ हूँ वहाँ पे बंदा एक बग्गी लेके बैठा हुआ, ठीक है। तो मैं फटाफट से पहले तो यहाँ पे अपनी हेल्थ किट लगाता हूँ, फुल हेल्थ करता हूँ एंड उसके बाद से एक स्मोक यहाँ पे कर देता हूँ ताकि ऊपर वाला बंदा मुझे ना मार पाए, ठीक है। तो भाई अभी जो है ना अगला जोन यहाँ पे नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा आगे ज़रूर जाना पड़ेगा क्योंकि भाई अभी यहाँ पे 5 बंदे मुझे छोड़ के और अलाइव बचे हुए हैं एंड सामने देखो एक गाड़ी लगी हुई है, ठीक है। उस गाड़ी के पास भी शायद बंदा है एंड भाई मेरे पीछे तो बंदा है ही है, तो मैंने सोचा भाई इस पे पुश कर देते हैं। तो भाई इस बंदे पे हमने पुश करके MG36 को यहाँ पे किल कर दिया क्योंकि भाई वहाँ पे जोन नहीं था, तो मैंने सोचा वहाँ रहने का कोई फ़ायदा भी नहीं है एंड भाई पीछे से बंदा भी आके मुझे मार सकता था। तो मैं फटाफट से यहाँ पे आया, इस बंदे पे पुश कर दिया एंड भाई इसको यहाँ पे हमने इजीली किल कर दिया। भाई इसकी क्रेट से भाई मैं थोड़ी बहुत लूट करता हूँ, हालांकि अभी लूट की उन्हें ज़रूरत तो नहीं थी, फिर भी भाई मैं यहाँ पे ग्रेनेड वगैरह एंड M4 जो मेरे पास नहीं थी वो मैं उठा लेता हूँ एंड भाई अभी यहाँ पे पीछे से बंदा आता है। तो भाई ये मेरे पे बग्गी चढ़ाने ही वाला था लेकिन मैं बच गया। अब देखो इसको भाई किसी और ने डैमेज दिया था एंड भाई ये बंदा वहाँ पे लेट गया था एंड उतने में भाई हमने यहाँ पे इसको किल कर दिया। अब जो बंदा है लास्ट ही बंदा बचा हुआ है, ठीक है, ये सामने वाले पत्थर के पास है, ठीक है, जहाँ पे कि आप लोग देख सकते हो। तो मैंने एक ग्रेनेड लो टॉस पे किया इसके पत्थर के पास, ठीक है, ताकि ये बंदा थोड़ा डरे। अब मैं समझ गया था कि भाई ये बंदा भी मेरे पे ज़रूर ग्रेनेड करेगा, तो अगर मैं वहाँ पे रुकता हूँ तो भाई मेरी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो मैं वहाँ से पीछे आ गया एंड भाई जैसा मैंने सोचा था होता भी वैसा ही है। देखो वहाँ पे ग्रेनेड आता है एंड भाई देखो मेरी हेल्थ थोड़ी सी लो होती है लेकिन भाई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं भाई ग्रेनेड से काफ़ी ज़्यादा पीछे था, ठीक है। तो अब मैं फटाफट से भाई यहाँ पे अपनी तो हेल्थ पहले पूरी करता हूँ, बूस्ट वगैरह फुल करता हूँ। अब देखो भाई मेरे पास ग्रेनेड काफ़ी थे तो मैंने सोचा कि भाई अब मैं ग्रेनेड कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो तो भाई मैंने एकदम परफेक्ट कुक करके ग्रेनेड मारा एंड भाई ये बंदा यहाँ पे हॉकाई नाम का बंदा ये जो काफ़ी देर से किल फील्ड में भी आ रहा था इसको हमने यहाँ पे किल कर दिया एंड इसी के साथ साथ भाई हमारा यहाँ पे चिकन डिनर हो गया 5 किल्स के साथ एंड भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया था। इरेंगल में मैंने ज़्यादा गेम्स अभी खेले नहीं है, 4-5 ही गेम्स खेले हैं, उसमें से एक मैच में मेरा माइनस पड़ गया था स्कूल पर उतरते ही शॉट गन से मैं मर गया था, ठीक है। तो बाकी गेम्स उनने खास गए नहीं एंड ये वाला जो गेम था इसमें चिकन हुआ था। अभी मैं इरेंगल और खेलूँगा क्योंकि भाई दिन में 6 घंटे मिलते हैं तो ज़्यादा इरेंगल के गेम प्लेज यहाँ पे बन भी पाते। तो यार आप लोग मुझे पेड पुश के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे क्योंकि अभी भाई 6 घंटे में हो नहीं पाता कुछ, तो यार मैं एक और आईडी यहाँ पे कॉन्करर लगा सकता हूँ, एक साथ दो कॉन्करर हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप लोगों को करवाना है तो भाई आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। तो होप आप लोगों को ये गेम प्ले पसंद आया हो, पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दो यार एंड भाई बढ़ते हैं अपने सेकंड गेम प्ले की तरफ नूसा वाला। नूसा में तो भाई जैसे आप पता ही आपको हमने तबाही मचाई हुई है, तो भाई नूसा में यहाँ पे हम साइंस सेंटर में आ जाते हैं, ठीक है। हर बार की तरह मैं सबसे पहले साइंस सेंटर उतरता हूँ। भाई थोड़ी देर लूट करने के बाद ना यहाँ मैं नीचे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे फाइट हो रही होती है सामने वाले कमरे में, तो देखना यहाँ पे भाई इसने अभी अभी एक और बंदे को मारा था तो इसकी हेल्थ भी काफ़ी लो थी एंड भाई इसको हमने यहाँ पे इजीली किल कर दिया। फिर मुझे यहाँ पे बाहर से आती है एक बॉट की आवाज़, मुझे लगता है भाई बाहर एक बॉट आ रहा है लेकिन भाई ये बॉट नहीं होता, असल में ये बंदा होता है। देखना अभी यहाँ पे क्या होता है। तो भाई मैंने इसको बॉट समझने की गलती कर दी थी क्योंकि भाई ये नीचे से आ रहा था तो मुझे लगा कि भाई बॉट होगा, लेकिन भाई यहाँ पे देखो मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लो हो गई थी, काफ़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे बचाऊँ। तो देखो अभी यहाँ पे हमारे 2 किल्स हो गए हैं, अभी नीचे मुझे एक बॉट दिखाई देता है। इसको भाई कोई बंदा यहाँ पे ग्लेशियर से मार रहा था, शायद ये वही एक्सूट वाला है जो भाई यहाँ पे किल फील्ड में आ रहा था, तो वही इसका हमने यहाँ पे किल चुरा लिया। तो गाइज अब ना मुझे यहाँ से मतलब लेटने की आवाज़ आ रही थी थोड़ी देर पहले जब मैं नीचे था, तो मैं समझ गया था कि ऊपर बंदा कैंप कर रहा है। अगर आप लोगों ने साइंस सेंटर खेला होगा तो आप लोगों को पता है कि भाई यहाँ पे बंदा हमेशा कैंप करता है। तो मैं एक ग्रेनेड यहाँ पे कुक करता हूँ एंड वही सीधा जाके मारता हूँ उसके मुँह पे, लेकिन भाई ये बंदा बच जाता है, पता नहीं कैसे बचता है, शायद ग्रेनेड इसके दीवार के आगे गिरा हो शायद, ठीक है। तो मैं एक और ग्रेनेड यहाँ पे कुक करता हूँ, ये भी भाई काम नहीं करता है। तो भाई इस बंदे को पता लग गया था कि मुझे लोकेशन इसकी पता है, तो ये बंदा भागने लगता है। ग्रेनेड से मैंने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था इसको, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था एंड भाई यहाँ पे आके इसको लेटना पड़ा एंड लास्ट हमने इसको यहाँ पे किल कर दिया।
एंड भाई लास्ट में ना जोन काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है। मैं फटाफट से अपनी गाड़ी उठाता हूँ एंड भाई आ जाता हूँ जोन की तरफ। जोन का सेंटर यहाँ पे देखो, जहाँ पे मैं अभी पहुँच चुका हूँ यहाँ पे सेंटर है, तो मैं सोचा यहीं पे रुकना सेफ रहेगा। पहाड़ी से मैं आसानी से यहाँ पे किल्स भी निकाल सकता हूँ। अभी तक हमारे पास 11 बंदे अलाइव हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे बैठना चाहिए हमें थोड़ी देर। तो मैं यहीं पे अपनी गाड़ी लगाता हूँ एंड यहीं पे रुक जाता हूँ। तो थोड़ी देर इधर उधर स्पॉट करने के बाद अभी मुझे सामने जो ब्रिज की तरफ दूसरी वाली तरफ पहाड़ी होती है, वहाँ पर एक बंदा मुझे लेटा हुआ दिखाई देता है। तो देखना अभी, तो भाई ये बंदा काफ़ी देर से मेरे पे नज़र रखे हुए था। ये बस इस चीज़ के इंतज़ार में था कि कब मैं एक जगह स्टेबल हूँ एंड भाई ये बंदा मुझे मारे। लेकिन मैं मोमेंट दिए जा रहा था, एक जगह मैं रुका नहीं था, तो इस बंदे ने मेरे पे फायर नहीं किया। तो उसी के थोड़ी देर बाद भाई मुझे यहाँ पे ना अपने पिछली वाली साइड से ना फुटस्टेप्स आने वाले हैं। यहाँ पे मुझे फुटस्टेप्स आ जाते हैं एंड मैं समझ जाता हूँ यहाँ पे कोई बंदा मेरे क्लोज आ चुका है। ठीक है, तो भाई इसको भी हमने यहाँ पे शॉटगन से आसानी से मार दिया। आसानी से तो नहीं बोल सकते भाई, यहाँ पे ना भाई इसने मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा लो कर दी थी, लेकिन भाई शॉटगन बहुत कमाल किया। अगर लग जाए तो भाई बंदा एक ही शॉट में यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो भाई इसके बाद ना यहाँ पे चार बंदे अभी अलाइव बचे हैं, लेकिन मेरी फाइट होने नहीं वाली इनमें से किसी के साथ। मेरी सिर्फ एक ही बंदे के साथ यहाँ पे फाइट होगी एंड भाई वो बंदा यहाँ पे सामने की तरफ आ चुका है एंड भाई मैं ग्रेनेड वगैरह कर रहा हूँ, वो भी ग्रेनेड वगैरह कर रहा है। ना तो मेरा ग्रेनेड काम में आ रहा है, ना तो उसका ग्रेनेड काम में आ रहा है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ग्रेनेड खत्म हो चुके थे। मैं फटाफट से इसकी क्रेट में जाता हूँ कि भाई ग्रेनेड मुझे मिले यहाँ पे, लेकिन भाई ग्रेनेड वगैरह उठाने का टाइम मुझे मिलता नहीं है क्योंकि भाई बंदा यहाँ पे कहीं से भी फायरिंग कर सकता था। तो भाई जितना कुछ है मैंने सोचा उसी का हम यूज़ यहाँ पे करेंगे एंड भाई चिकन निकालेंगे। तो देखो ये बंदा यहाँ पे, इसको मेरी पोजीशन नहीं पता है, ये इधर उधर कहीं भी नेड मारे जा रहा है। तो अब मैं समझ गया था कि इसको मेरी पोजीशन तो नहीं पता। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे देखो जो भी फालतू सामान होता है, मैं हर गेम में ये करता हूँ, और जब भी भाई ओपन में जोन बनता है फालतू सामान अपना ड्रॉप कर दो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट में, ताकि भाई हम अपना बैग निकाल सकें एंड भाई बिना बैग के यहाँ पे घूम सकें। तो देखो गाइज़, यहाँ पे भाई इस बंदे ने एक और बंदे के साथ यहाँ पे फाइट ली। ठीक है, तो अभी ये बंदा लास्ट बंदा बचा हुआ है, तो मेरे को इसकी पोजीशन थोड़ी सी पता है, एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन भाई मैं उसी तरफ यहाँ पे नेड मारने वाला हूँ। एक ही नेड मेरे से बचा हुआ था, देखो मैं यहाँ पे नेड कुक करके मारता हूँ एंड भाई ये नेड सीधा उस बंदे के मुंह पे जाके फटता है एंड भाई यहाँ पे भाई ये बंदा यहाँ पे किल हो जाता है एंड इसी के साथ साथ हमारा यहाँ पे 7 किल के साथ चिकन डिनर हो जाता है। देखो भाई ग्रेनेड कहाँ पे जाके गिरा है, मतलब ये देखो ग्रेनेड एकदम मैंने परफेक्ट जगह मारा था। ये बंदा बैठा एकदम बिल्कुल सही जगह था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन भाई हमारा ग्रेनेड भी उतना ही सही था जितनी सही इस बंदे की जगह थी। तो भाई इसी के साथ हमारा यहाँ पे चिकन डिनर हो गया एंड इस गेम में हमें 12 प्लस मिला था। तो इसी बात के लिए भी फटाफट से लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया। तो यार इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, जैसे कि आपने इंट्रो में अभी देखी। बाकी भाई आप लोग मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो वहीं पे कोई अगर आप लोगों को काम हो मुझसे। तो बस यार यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं भाई ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।